बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक बड़ा धमाका हुआ। इस भीषण हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़कर एक दर्जन के करीब पहुंच गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरदा में आग लगने से अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। हरदा हादसे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से कई लोगों की मृत्यु की खबर बहुत ही पीड़ादायक है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनको इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें। तो वहीं हरदा में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस ने हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसके सदस्य हरदा विधायक राम किशोर दोगने और टिम्पनी विधायक अभिजीत शाह है। समिति को 3 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घटना दुखद है। सरकार पूरी मुस्तैदी से बचाव एवं राहत कार्य में लगी हुई है। प्रति परिवार 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जांच के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव खुद जांच कर मुझे रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें दोषी पाए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडी शर्मा का कहना है कि लगातार राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। घायल के इलाज के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश की मोहन सरकार संवेदनशील के साथ मृतक के परिजनों के साथ। हरदा ब्लास्ट से पूरा शहर हिल गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जाएगी। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। विस्फोट बैराकड़गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई थी। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। हरदा ब्लास्ट में करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। हरदा के आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। कानपुर के बूरा में शराब पार्टी में दोस्तों ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। शराब पार्टी के दौरान गाली गलौच करने पर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने पीट पीट कर दोस्त की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एनसीसी के एडीजीपी अजय महाजन इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अलग अलग शहरों में जाकर एनसीसी बटालियन का वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में एनसीसी बटालियन के एडीजीपी ने 10 एमपी एनसीसी बटालियन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सूरत में आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया है, जहां कुत्ते के नोचने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। जब मासूम बच्ची शाम को घर के पास खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। पिता की तलाश के दौरान बच्ची झाड़ियों में मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इंडिया बाय मोटरसाइकिल बाइकर्स भारत भ्रमण पर निकले हैं। भारत की प्राकृतिक छटा देखने ये बाइकर्स नासिक से चलते हुए आज नैनपुर पहुंचे। बाइकर्स टीम लीडर रवि वर्मा ने बताया कि हमारा मकसद विदेशी सैलानियों को भारत की संस्कृति, आबोहवा और प्रकृति छटा से अवगत कराना है। मेघनगर में 15 दिन से लापता युवक का शव मिला है। पूरा मामला स्थानीय मेघनगर थाना क्षेत्र के आवास कॉलोनी का है, जहां युवक का शव एक मकान के बाथरूम में मिला। शव से भयंकर बदबू आने पर रहवासियों को इस बारे में खबर मिली, जिसकी सूचना रहवासियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कर जांच में जुटी है।
मसूरी में एक मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मोबाइल की दुकान से 8 मोबाइल और करीब 50,000 की नकदी चोरी की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दुकान के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एसटीएम मसूरी पर आरोप लगाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में प्रवेश शुल्क, अनाधिकृत बैरियर और पार्किंग को हटाया जाए ताकि आने वाले पर्यटक किसी तरह की ठगी का शिकार न हो। साथ ही मांगे पूरी न होने पर मार्च महीने में सरकार और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालकों के खिलाफ चेतावनी। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के लोगों के लिए बेहतर यातायात सुविधा की मांग की जा रही है। मांग शहीद बंदे हसन स्वतंत्रता सेनानी एजुकेशन की तरफ से की गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के से रोडवेज बसों के संचालन की मांग की गई। बसों का संचालन न होने से क्षेत्र के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जालौन में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना आटा थाना क्षेत्र के परासन गांव की है, जहां शराब पीने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को धर दबोचा। कन्नौज में सपा के बूथ प्रभारी नितिन यादव की अगुवाई में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जन पंचायत का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसका उद्देश्य पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ समाज के हर वर्ग को सपा के विकास कार्य के बारे में जागरूक करना है। बस्तर में यातायात विभाग 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके लिए यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम रखी, जिसमें जनता को सड़क दुर्घटना के संबंध में जागरूक करने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया, जिसमें भाषण, रंगोली और निबंध जैसे विभिन्न कार्यक्रम करवाए गए। हाजीपुर में एक महिला की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बरेली में अधिकारियों ने तहसील परिसर में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया और मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही अधिकारियों से नागरिकों ने ईवीएम मशीन से वोट डालने का नमूना देखकर जानकारी ली। अधिकारियों का कहना है कि सभी मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ऐसा किया गया। अमेठी में आवारा जानवरों से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। परेशान होकर लोगों ने प्राइमरी स्कूल में आवारा जानवरों को बंद कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन की निष्क्रियता के चलते किसान आवारा पशुओं से लगातार परेशान है। अम्बेडकर नगर के सरकारी स्कूल में मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां इस उम्र में कलम की जगह विद्यार्थियों के हाथों में कुल्हाड़ी थमा दी गई है। हालांकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे के लिए हर स्कूल में बजट दिया है, बावजूद इसके चूल्हे पर खाना बनाने के लिए महिलाएं रसोइयां बच्चों से लकड़ियां इकट्ठा करवाती नजर आई। मंगलवार को झाबुआ कलेक्टर मुख्यालय पर अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों में महिला और पुरुषों के साथ ही बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कचलदेरा के काला खेत फलिया के रहने वाले हैं। ये लोग अपनी जमीन पर उद्योग लगाने का विरोध कर रहे हैं। बहराइच में सनकी युवक ने हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने ईंट से कुचल कर ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी। रिक्शा चालक आरोपी को केसरगंज छोड़ने से इनकार किया था। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। सहकारी समिति संघ हड़ताल पर चला गया है। लघु वनोपज सहकारी संघ भानुप्रतापपुर के समस्त प्रबंधक 6 फरवरी से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमीरपुर में 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आगाज हो गया है। जिलाधिकारी राहुल पांडे, एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा और राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बुंदेलखंड के गौरव के बारे में जानकारी देना है।
जबलपुर में शराबी शिक्षक की करतूत सामने आई है, जिसके बाद डीओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला कुंडम तहसील के जमुनिया सरकारी स्कूल का है, जहां पर पदस्थ टीचर राजेंद्र नेताम बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल में शराब के नशे में लटकता हुआ नजर आया। इसका वीडियो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जलगांव जिले में जामनेर तहसील के पहुर गांव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बंजारा समाज के संदेश चौहान के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। सराने एक आंदोलनकर्ता पर गाड़ी चढ़ने से लहूलुहान हो गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर अम्बरीश कुमारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। अम्बरीश कुमारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सोच दलितों एवं गरीबों के प्रति थी, लेकिन अब उस सोच से सपा पूरी तरह से भटक चुकी है, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। जबलपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाल मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पेंशनरों का कहना है कि पिछले 28 सालों से वे अपनी मांगों को लेकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की है, जहां तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हरदोई में तड़के सुबह रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हो गया। यहां रेलवे ट्रैक पार करते समय 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के बालामऊ रेलवे स्टेशन का है। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सदन के से पारित होने के बाद यूसीसी राज्य में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना शुरू करने को लेकर घोषणा की है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1000 रूपये दिए जाएंगे। पैसे सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डाले जाएंगे। खैरागढ़ में भी इस योजना के तहत लाभार्थियों के फॉर्म जमा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बांके बिहारी के धाम वृंदावन में आज मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान अपनी धार्मिक यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं बांके बिहारी की देहरी पर माता टेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि और एसपी सिटी अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। शाजापुर में बजाज पावर प्लांट के गेट पर किसान यूनियन ने जमकर हंगामा किया। किसान यूनियन ने पावर प्लांट पर इलाके में प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है, साथ ही प्लांट प्रशासन की अटकी निकालकर पुतला फूंका है। किसान यूनियन का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाली राख और प्रदूषण से बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस सांसद नकुलनाथ पर निशाना साधा। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से खुद उम्मीदवार घोषित कर दिया था। राजेंद्र शुक्ला ने नकुलनाथ की घोषणा पर कहा कि कांग्रेस में ना तो अनुशासन है और ना ही पार्लियामेंट्री वोट की कोई अहमियत है, इसलिए चुनाव लड़ने वाले लोग खुद ही अपना नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महतारी बंधन योजना को लेकर कांग्रेस के बयानों पर संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान हो रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। यूपी के आजमगढ़ में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यहां बरदहा थाना क्षेत्र के उड़ती अवा ग्राम सभा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को छापे में सैकड़ों महिला पुरुष मिले हैं, जिन्हें धर्मांतरण के लिए एकत्रित किया गया था।
राजौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने अपनी गाड़ी की नेम प्लेट बदल ली है। अब उन्होंने कलेक्टर की जगह लोक सेवक लिखवाकर प्लेट लगवाई है। वहीं नेम प्लेट बदलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि भारतीय संविधान में हम लोक सेवक हैं, इसलिए लोक सेवक की प्लेट लगाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत जल्द भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ भी पहुंचने वाली है, जहां प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां से गुजरेगी वहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद बीजेपी के वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख की नामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। केकेबीएन डिवीजन के महानदी एरिया कमेटी में सक्रिय माओवादी कुमारी बामे मरकाम ने सरेंडर किया है। महिला नक्सली ने डीआरजी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। झाबुआ में 11 फरवरी को जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि पीएम के स्वागत के लिए जनजाति समाज तैयार है। सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के आदिवासी वर्ग से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये सम्मेलन बेहद खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उन्होंने 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं पर है। इसके साथ ही सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। सिवनी जिले के सरकारी स्कूल में छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया, जहां शासकीय प्राथमिक शाला उसेरा में पदस्थ शिक्षक तेजलाल बकील ने पानी पीने गए कक्षा साथी के छात्र अंशु चौधरी की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं परिजनों ने शिक्षक पर शराब पीकर बच्चे को पीटने का आरोप लगाया है। रायपुर में विधायक धर्मलाल कौशिक ने बड़ा बयान दिया। विधायक ने कहा कि आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने कांग्रेस के पिछली सरकार के पीटीएस सिस्टम के घोटाले पर सवाल उठाए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने किसानों के मुद्दे को उठाया और हरिद्वार जनपद के किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अध्यक्ष के सामने वेल में पहुंच गए। ये पहला मौका था जब कोई अकेला निर्दलीय विधायक वेल में पहुंचा। उमेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर लगातार किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। इंदौर मेयर ने हर घर सोलर स्वच्छता से स्वच्छ ऊर्जा की ओर सौर मित्र अभियान का शुभारंभ किया। शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए इस दौरान मेयर ने कई आकर्षक घोषणाएं भी की। दरअसल इंदौर सोलर सिटी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। मेयर कुश मित्र भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा ने शहर को नई ऊर्जा दी है, ताकि शहर सौर ऊर्जा ला सके।